तो भाई लोगों कैसे हो। तो स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केयर फॉर यू। तो आज मैं आपके लिए एक और नई रेमेडी लेकर आया हूँ। तो आज की हमारी रेमेडी होने वाली है कि हम अपने घरों में से खटमल को या फिर कीड़े मकौड़ों को फ्रेंड्स कैसे मार सकते हैं या उन्हें घरों में से कैसे भगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन खटमलों का क्या कहना, जब भी आप रातों में सोने के लिए जाते हैं फ्रेंड्स, रात भर आप करवट बदलते रहते हैं, ये खटमल आपको सोने नहीं देते, आपको काटते हैं, आपको तंग करते हैं। और रात को ना सोने के कारण ही आप पूरे दिन गुस्से में रहते हैं, इरिटेट हर चीज़ें होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स हम इन खटमलों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के फ्रेंड्स आपके घर के अंदर कीड़े मकौड़े मौजूद हैं तो आप उनको कैसे मार सकते हैं। तो फ्रेंड्स चाहे वो कॉकरोच हो, छिपकली हो या फिर कान खजूरें हो, इस रेमेडी की मदद से हम किसी भी प्रकार के कीड़े मकौड़े बड़ी आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। तो हमको लेना है सबसे पहले पानी। तो फ्रेंड्स हमें पानी कितना लेना है, तो फ्रेंड्स हमें पानी लेना है आधा लीटर। और आप इस रेमेडी को किसी खराब बर्तन के अंदर बनाइए ताकि वो किसी यूज में ना आए। तो इसके अंदर फ्रेंड्स अब हम ऐड करेंगे कपूर की गोलियाँ। आप ये देख सकते हैं जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं कि वो कपूर की गोलियाँ हैं। तो फ्रेंड्स हमें कितनी गोलियाँ डालनी है, हमें तकरीबन इसके अंदर 4 से 5 गोली आधे लीटर पानी के अंदर पीस के इसका एक पाउडर बना के डाल लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इनका एक पाउडर बना लिया है, अब हमें इसको इस पानी के अंदर ऐड कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसके अंदर ऐड करते हैं नीम ऑयल। हम नीम का तेल इसके अंदर इसलिए डालते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा नीम के पेड़ के ऊपर फ्रेंड्स किसी प्रकार के कीड़े मकौड़े नहीं होते, जो इसके अंदर कड़वाहट होते हैं फ्रेंड्स वो कीड़े मकौड़ों को बर्दाश्त नहीं होती। और इसी कारण फ्रेंड्स किसी प्रकार के कीड़े मकौड़े आपको नीम के पेड़ पे देखने के लिए नहीं मिलते, वो इरिटेट होके फ्रेंड्स वहाँ से भाग जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमको एक ढक्कन, जो हमको इसका कैप दिख रहा है, हमें एक कैप इसका ऐड करना है नीम ऑयल का। तो नीम के तेल के आगे फ्रेंड्स कोई भी कीड़ा मकौड़ा नहीं टिक सकता। और लास्ट में फ्रेंड्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे डिटॉल। तो फ्रेंड्स हमें डिटॉल की 7 से 8 बूंदे इसके अंदर ऐड करनी है। तो फ्रेंड्स डिटॉल एंटीसेप्टिक होता है, ये किसी भी प्रकार के फ्रेंड्स कीड़ा मकौड़े बड़ी आसानी से मार सकता है और इसके स्मेल के कारण कोई कीड़ा मकौड़ा आपके घरों में नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम इस रेमेडी को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो हमारी रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये ऑयल आपको ऊपर तैरता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो हमारी जो नीम की स्मेल थी फ्रेंड्स, जो इसकी कड़वाहट थी, वो हमें इस पानी के अंदर मिल चुकी है। तो फ्रेंड्स हमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स हमें एक खाली स्प्रे बॉटल लेनी है और उसके अंदर फ्रेंड्स हम इसे भर के रख लेंगे। तो फ्रेंड्स चाहे आपके बेड पे खटमल हो या फिर आपके फर्शों पे हो, अगर आपके फर्श के ऊपर किसी भी प्रकार के कीड़े मकौड़े घूमते हैं तो आप पोछे के अंदर फ्रेंड्स इस पानी को ऐड कर सकते हैं। फिर इस रेमेडी की मदद से आप पूरे घर के अंदर पोछा लगाइए, आप यकीन मानिए आपको एक भी कीड़ा मकौड़ा अगले दिन से आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर आपके बेडों के ऊपर फ्रेंड्स खटमल हुए हुए हैं तो आप स्प्रे बॉटल के अंदर इसे भरिए और अपने बेड पे स्प्रे कर लीजिए, जहाँ जहाँ आपको कीड़े मकौड़े लगते हैं यहाँ पे ज़्यादा होंगे। और एक बार के स्प्रे से फ्रेंड्स आप देखेंगे कीड़े मकौड़े अपनी जगह छोड़ के ऐसे भागेंगे कि आप देखते रह जाएंगे। अगर आपके सोफे के ऊपर खटमल हुए हुए हैं, बेड के ऊपर खटमल हुए हुए हैं, कॉकरोच है आपके घर में, तो आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करिए और इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद आप इसके चमत्कारी फायदे देखिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।